दिन दिहाड़े सड़क पर लूट की घटना को अंजाम देकर बेखौफ अपराधियों ने पुलिस को दी चुनौती। अपने भाई के साथ स्कूटी से जा रही महिला के साथ हुई लूट। जनपद कनौज से अपने मौसी के यहां दिव्यापुर आ रही थी पीड़िता। अज्ञात नवंबर अपाची बाइक सवार तीन बदमाशों ने तमचा के बल पर लूट की घटना को दिया अंजाम। महिला की चैन व मंगलसूत्र छीन के हुए फरार। लूट की सूचना पर मौके पर सीओसी समेत थाने का फौज मौजूद। एरवा कटरा थाना क्षेत्र के तिबरामपुर रोड के पेट्रोल पंप के पास की घटना। कहाँ के निवासी? हम लोग इंदौर के पास में चंद्रवार पड़ता है। थाना इंदौर। क्या घटना हुई आज आपके साथ? क्या घटना हुई आपके साथ? अरे हम लोग बाइक स्कूटी से आ रहे थे तो एक बाइक पे तीन लोग थे और उन्होंने गमछा सफ़ेद गमछे से पूरा मुंह ढका हुआ था। तो हम लोग थोड़ी दूर पे आए थे, जंगल टाइप का एरिया था थोड़ा उधर से, तो मेरे गाड़ी के सामने आकर रुक गए कि बोलो गाली वाली देने लगे। रुको रुको यही रुको। तो तीन लोग थे, गन निकाली, दो गन थी उनके पास में और मेरी छोटी बहन मतलब मेरी बड़ी बहन थी वो गले में मंगलसूत्र और चैन पहने हुई थी। तो वो मतलब छीन चपट्टी करने लगे उनको छीन के और वो कट्टे दिखाने लगे और उसको पकड़ लिया। किस जगह घटना है ये? बस यही थोड़ा एरवे कटरा के एरवे कटरा से थोड़ा पीछे बढ़ता है। आपने थाना एरवा कटरा सूचना दे दी? हाँ बिल्कुल दे दी। वहीं पे मतलब चौराहे पे खड़े थे भैया पुलिस वाले, खड़े दुर्गा जी खड़े थे। तो तुरंत गए और दुर्गा जी से बात की, उन्होंने तुरंत गाड़ी से उनका पीछा किया। बाइक तो मिल गई है, ये कन्फर्म कर ली, बाइक उनकी है दूसरी की। तीन लोग थे वो? हाँ बिल्कुल। वो किधर चले गए? वो जस्ट तुरंत टर्न मार के तुरंत चले गए।